तो भाई वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम चेतन जंगी, अपनी महिंद्रा बोले जो कि यार 2011 वाला मॉडल है और ये अपनी टोयोटा क्लेंजा है जो कि यार 2021 वाला मॉडल है। यार अभी आपको बताऊं तो यार अपनी गाड़ी के अंदर देखो, अभी मैं रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बना चुका है, यानी कि अपने टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड ले लो या फिर टायर प्रेशर से रिलेटेड ले लो। देखो उसका क्या रीज़न था, देखो एक अलग ही रीज़न था जो कि यार मैं आपको बता रहा हूँ जो कि यार काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको फ़ायदे देने वाला है वो वाला रीज़न। देखो अब यार अपनी गाड़ी के अंदर आप देखो वाइब्रेशन से रिलेटेड आप परेशान होता था, जैसे कि यार अपनी महिंद्रा बोलेरो है या फिर आप कोई आपके पास कोई सी दूसरी गाड़ी है। जैसे कि यार अपनी गाड़ी के अंदर भी देखो क्या है, सस्पेंशन थोड़ी हार्ड है अभी टोयोटा क्लेंजा के अंदर, बट यार अपनी गाड़ी के देखो टोयोटा यानी महिंद्रा बोलेरो है अपने पास जो कि यार इसके सस्पेंशन थोड़े से बिल्कुल बढ़िया है भाई। मतलब इनका मतलब खड्डों में से पता नहीं चलता कि यार खड्डे मतलब छोटे मोटे खड्डों का तो इग्नोर ही कर देती है अपनी महिंद्रा बोलेरो। जैसे अपनी टोयोटा क्लेंजा जो कि यार ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती, बिल्कुल अपने को ऐसा महसूस कराती है कि भाई खड्डा है यहाँ पर। अभी रिसेंटली देखो यार इसके लो ग्राउंड क्लियरेंस से कम होने के कारण देखो अपनी गाड़ी यहाँ से टच होने के कारण बम्पर भी थोड़ा डैमेज हो गया देखो यहाँ से, क्योंकि यार काफ़ी सही नहीं हुआ देखो मेरे हिसाब से, बट कोई नहीं यार। देखो लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियों के अंदर ऐसा ही होता है। अब यार अभी आपको बताऊँ तो देखो यार अपनी गाड़ी के अंदर देखो अभी आपकी गाड़ी के अंदर देखो लो प्रोफाइल टायर और हाई प्रोफाइल टायर रहते हैं जो कि यार अभी मैं बता रहा हूँ आपको। अभी लो प्रोफाइल टायर तो ऐसे देखने के लिए मिलेंगे आपको जिनकी टायर साइज़ है, अभी इस गाड़ी की टायर साइज़ है 195/55/816 जो कि यार काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके रिम साइज़ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी दे रखी है। अब इसकी लो प्रोफाइल है ना ये टायर काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। अब यार आपको जैसे ही बताऊँ ना ये अपनी बोलेरो जो कि यार हाई प्रोफाइल टायर के अंदर देखने को मिलती है। अभी यार आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि यार इतनी सी मतलब इसकी थिकनेस है, देखो यार इतनी थिकनेस है। अब यार इसकी आप बात करोगे तो यार इसके अंदर पूरे मतलब पूरा हाथ ही आ जाता है, इतना मतलब इतनी मोटी ज़्यादा मोटा टायर है ये भी। अब यार आपको बताऊं तो अपनी गाड़ी के अंदर देखो अगर आप जैसे यार अभी आप टोयोटा क्लेंजा के अंदर आपकी मतलब हवा कम करके चलाते हो ना यार, तो आपकी गाड़ी के अंदर मतलब ऐसे नुकसान हो सकता है। जैसे कि यार अभी मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि यार अपनी गाड़ी के अंदर भी इसमें देखो अभी तो हाल फिलहाल में देखो इस वाले टायर में भी सही हवा, अगर अपन इन गाड़ी के अंदर हवा कम करते हैं ना तो अपनी गाड़ी के अंदर क्या है ये बटका आ जाता है, जिससे क्या है देखो टायर के अंदर ऐसा कुछ आ जाता है मतलब टायर के रिम के बीच में मतलब ऐसे टच होती है ना गाड़ी तो फिर ऐसा देखने को मिलता है, मतलब टायर जगह जगह से कट जाते हैं। जैसे कि यार आपकी गाड़ी के अंदर ट्यूबलेस टायर है ना तो यार आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि यार जैसे कि यार अपनी मेन जो अपनी टोयोटा क्लेंजा है ना तो इसके अंदर भी ऐसा ही ऐसा ही है। अभी ट्यूबलेस टायर तो दे रहा है कि अपनी गाड़ी के अंदर, बट यार जो ये लो प्रोफाइल टायर होने की वजह से अपनी गाड़ी के अंदर अगर अपन वाइब्रेशन से बचना चाहते हैं या फिर अपने को मतलब खड्डे महसूस नहीं कराना चाहते हैं तो आप यार हवा निकाल सकते हो एक रीजन से, बट यार आपकी गाड़ी के अंदर अगर आप लो प्रोफाइल टायर लगा रखे हो तो यार ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि यार आप ही को भारी नुकसान हो सकता है। जैसे कि यार अभी आपको मैं बताता हूँ जैसे कि यार अपनी महिंद्रा बोलेरो के अंदर तो अपन फिर भी एक बार सोच सकते हैं कि यार अपनी गाड़ी के अंदर हवा कम करने की, जैसे कि यार अपनी गाड़ी के अंदर अभी इनमें 35 रहनी चाहिए हवा, मतलब इसके अंदर भी 35 ही रहनी चाहिए बेसिकली अपनी गाड़ी के अंदर टोयोटा क्लेंजा के अंदर और महिंद्रा बोलेरो के अंदर दोनों के अंदर सेम रहनी चाहिए। बट यार अपन अभी मैं आपको बताऊँ तो अभी अपने पास हाई प्रोफाइल टायर है तो एक बार अपन सोच सकते हैं कि यार इसके अंदर हवा एक बार कम कर लिए जाए, मतलब थोड़ा सा यार अपने खड्डे ज़्यादा महसूस हो रहे हैं यानी आप एक बार कम कर सकते हो इस वाली गाड़ी के अंदर। बट जो अपनी टोयोटा क्लेंजा है ना इसके अंदर आप कम करोगे तो यार आपको जगह जगह पर मतलब ऐसे नुकसान देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि यार अभी अपनी गाड़ी के अंदर देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि यार इसके अंदर भी एक फ्रंट वाले टायर के अंदर भी एक कट था जो कि यार अभी मेरे को नहीं नज़र आ रहा भाई, जगह जगह पर कट देखने के लिए मिल जाएंगे आपको टायर्स के अंदर, क्योंकि यार लो प्रोफाइल टायर्स का यही नुकसान देखने के लिए मिलता है अपने को ज़्यादातर, अगर आपकी गाड़ी के अंदर एलोई होना तो फिर और भी ज़्यादा भाई। कई बंदे रहते जो कि यार अभी देखो मतलब टॉप एंड वेरिएंट लेके जाएंगे जैसे कि यार स्कॉर्पियो क्लासिक कार इनका सबका स्कॉर्पियो इनका, फिर वो क्या है अलग से खुद से खुद के हिसाब से अपग्रेड कराते हैं गाड़ियों को, एलोई डलवाते अपनी गाड़ी के अंदर, जिससे क्या है देखो शौक तो पूरा हो जाता है जो कि यार अभी डलवाएंगे तो फिर यार या तो मोटे टायर डलवाएंगे या फिर लो प्रोफाइल टायर डलवाएंगे। ज़्यादातर बंदे क्या है लो प्रोफाइल टायर की तरह भी जाते हैं, यानी कि रिम साइज तो बड़ी कर देंगे यानी कि 816 है यहाँ पर, आर 25 तक ले जाते हैं भाई, 25 इंची के लिए डलवाते हैं अपनी गाड़ी के अंदर टायर। बताओ यार अभी जैसे जैसे टायर रिम साइज़ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे टायर की थिकनेस कम होती जाएगी यही सीन देखने को मिलता है। अभी यार आपको बताऊँ तो अपनी गाड़ी के अंदर देखो टायर की थिकनेस कम होगी तो आखिर के अंदर देखो अपनी गाड़ी के अंदर भी क्या है लो प्रोफाइल टायर बिल्कुल पतले होते जाएंगे, जैसे आप खड्डे के अंदर मतलब स्पीड के अंदर चलाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिल सकता है आमतौर पर। फिर बेसिकली यार अपनी गाड़ी के अंदर देखो हाई प्रोफाइल टायर दे रखे हैं अपनी महिंद्रा बोलेरो के अंदर तो यार काफ़ी ज़्यादा मेरे को ये
काफ़ी ज़्यादा मेरे को ये चीज़ बढ़िया लगी, जो कि यार अगर अपनी गाड़ी के अंदर हाई प्रोफाइल टायर रहते हैं जो कि यार अपन उसकी थोड़ी सी हवा भी कम कर सकते हैं। बेसिकली यार अभी देखो एलोए का आजकल जो शौकीन जो चल रहा है ना शौक, तो यार काफ़ी हटकर है, जो कि यार लोग बाद मतलब बंदे कई रहते हैं जो कि यार इसको हाई लो प्रोफाइल टायर को मतलब और भी लो प्रोफाइल टायर बनाने में रहता है। जैसे कि यार अभी अपने ग्लेंजा के अंदर अभी 16 इंची का है, अब यार इसके अंदर भी कंपनी खेल खेलती है। जैसे कि यार अभी देखो आप दूसरी गाड़ी पे जाओगे ना, मतलब कि यार इससे बेसेंट वेरिएंट की तरफ जाते हो ना उस समय, यानी कि 2021 से पहले वाली जितनी भी बैलेनो आती थी ना, तो बेसेंट वेरिएंट की तरफ जाते हो तो आप उसमें मतलब रिम साइज 15 देखने की मिलती थी और हाई प्रोफाइल टायर देखने की मिलता था। जो कि यार टॉप एंड वेरिएंट आता है ना तो उसी के अंदर कंपनी देखो लो प्रोफाइल टायर देती है और मतलब यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लगता है देखने में हालांकि, बट जो अपने को नुकसान होता है जो कि यार काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है अपने को। जैसे कि यार अपनी महिंद्रा बोलेरो को, जैसे कि मैंने बताया कि अभी अपनी गाड़ी के अंदर हाई प्रोफाइल टायर, तो यार अपनी गाड़ी के अंदर देखो अपन हवा कम करके भी काम निकाल सकते हैं। अब जैसे कि यार मैंने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था कि यार अपनी गाड़ी के अंदर देखो टोयोटा ग्लेंजा के अंदर भी एक टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता क्या, तो यार इसके अंदर भी पूरे पैसे लगा रखे फिर भी नहीं देखने को मिलता। बेसिकली यार इसके अंदर ऐसी कोई भी डिस्प्ले नहीं है जो कि यार अपने को टायर प्रेशर बता दे अंदर से ही। अभी अपने को पंचर वाले की इसमें भी आवश्यकता ही रहेगी। इस मामले में महिंद्रा देखो इतना आगे हो गया जो कि यार काफ़ी हद से ज़्यादा, क्योंकि यार इसके अंदर टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम सब कुछ देखने को मिलता है टॉप एंड वेरिएंट के अंदर, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात लगी मेरे को। अब यार आप छोटे से छोटे वाले वेरिएंट के अंदर जाओगे तो यार कैसे क्या मिलेगा, देखो हर चीज़ के पैसे लेती देखो आजकल कंपनियां, तो देखो सौ बातों की एक बात है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर जैसे कि यार स्कॉर्पियो एन के अंदर नहीं करी क्या महिंद्रा, अभी बेसेंट वेरिएंट के अंदर जाओगे तो आपको फीलिंग तो पूरी अंदर से वही आ जाएगी, बट जो लेदर का मतलब वो देते हैं ना मतलब डोर पैनल्स पर, वो आपको पेंटेड मिल जाएगा और टॉप एंड वेरिएंट के अंदर पूरा प्योर लेदर मिल जाएगा आपको देखने के लिए। यही तो रहता है भाई, जितने आप अपनी गाड़ी पे पैसे खर्च करोगे ना तो उस हिसाब से आपको फीचर रिकमेंड करती रहेगी कंपनियां, ऐसा ही देखने को मिलता है। देखो सभी गाड़ियों के अंदर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि महिंद्रा ही करती है, अपनी गाड़ी के अंदर देखो टोयोटा हो या फिर मारुति हो या फिर हुंडई हो, चाहे जो कोई सी गाड़ी चल जाओ, होंडा ले लो या फिर किया ले लो, किसी भी गाड़ी पे चल जाओ भाई, सभी के अंदर ऐसा देखने के लिए मिलता है आमतौर पर। अब यार वैसे होना चाहिए था अपने टोयोटा ग्लेंजा के अंदर भी, जो कि यार देखो इतनी ज़्यादा पुरानी गाड़ी भी नहीं, देखो एक साल ही हुई है जस्ट इसको अभी अपने को ले हुए, जो कि यार इसके अंदर फीचर तो होना चाहिए था भाई। अब ऐसे कई फीचर मतलब इसके अंदर सारे फीचर दे रखे हैं, बस एक दो फीचर्स की इसके अंदर अभी अपनी गाड़ी के अंदर कमी रह गई, जो कि यार ड्राइवर इन्फॉर्मेशन से मतलब डिस्प्ले थी जो कि यार मिसिंग अपनी गाड़ी के अंदर, बट कोई नहीं ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले का आधा पार्ट दे रखा है अपनी गाड़ी के अंदर, जैसे कि यार ये रहा डोर वोर कौन सा खुला है मतलब कैसे क्या है, अभी ये सभी इसी गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। अपन इसका रंग भी बदल सकते हैं, इसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बेसिकली अभी अपनी गाड़ी के अंदर देखो यार ये जो दे रखा है ना अभी महिंद्रा बोलेरो के अंदर हाई प्रोफाइल टायर, क्योंकि यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेटर लगे देखो और कंपनियों से, जो कि यार आजकल जो कंपनी जैसे कि यार महिंद्रा है ना आज भी यही रिकमेंड करी है, जैसे कि यार अभी हाई प्रोफाइल टायर पे जाते हो ना आप, मतलब कि यार अपनी गाड़ी के अंदर कोई सी भी गाड़ी ले लो आप महिंद्रा की, सभी के अंदर हाई प्रोफाइल टायर्स देखने को मिलेंगे, रेयर केस के अंदर ही लो प्रोफाइल टायर डालेगी, नहीं तो सभी के अंदर हाई प्रोफाइल टायर्स देखने को मिलता है। देखो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी देखो महिंद्रा की, जो कि यार और ही चाहिए, क्योंकि यार जो बॉडी रोल है ना जो कि यार अपन इनसे ही कम कर सकते हैं और इनसे ही बढ़ा सकते हैं। देखो एक बॉडी रोल का इफेक्ट भी रहता है देखो टायर पर, जो कि यार टायर बॉडी रोल पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है, जो कि यार अगर अपने ऊपर ही रहता है देखो, अगर आप टायर में हवा कम कर चलाओगे तो यार अपनी गाड़ी के अंदर देखो बड़ी गाड़ियों के अंदर तो क्या है थोड़ा सा गाड़ी भारी होने की वजह से क्या है वो आपको मतलब खड्डे इतने महसूस नहीं होते, तो छोटी गाड़ी के अंदर क्या है हल्की रहती है, पूरे ऐसे खड्डे भी महसूस हो जाते हैं। पर आजकल की कंपनियां क्या है इसके अंदर लिफ्ट सस्पेंशन क्या है हटाकर आजकल की कोयल सस्पेंशन डालने लगी, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। देखो अभी यार देखो आपकी गाड़ी के अंदर तो मेरा तो यही कहना है कि आप अगर ना डालो ना हवा लो प्रोफाइल टायर के अंदर तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, और इनके अंदर डालो ना कम डालो तो चल जाएगा इनके अंदर तो काम, मतलब महिंद्रा बोलेरो के अंदर तो चल जाएगा, और इनके अंदर आप डालोगे ना तो यार काफ़ी ज़्यादा आपको भारी नुकसान हो सकता है, यानी कि टायर कटने के ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं। बेसिकली यार देखो आज के लिए तो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रकार के नए कंटेंट के साथ।